साहबा इकराम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चूंकि अरबी उनकी जुबान थी, कुरान जब अरबी में उन्हें सुनाया गया उन्हें समझ आ गई। जो साहबा इकराम थे अरबी जानते थे, लेकिन वहाँ पे एक उस्ताद भी मौजूद था। हमारा उस्ताद फौत हो चुका, उसकी कब्र है मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमारा उस्ताद ये कहता है कि मैं इस्लाम का आलिम हूँ लेकिन बात मैं तुम्हें अपने बाबे की बताऊंगा, तो मैं कहूँगा तुम जाके कोई और मजहब इख्तियार करो। ये वो गैरत है जो आज के मौलवी के अंदर नहीं। आप उसे कुरान हदीस का वाला पेश करें आगे से कुत्ते की तरह पड़ता है। तो हमारे उस्ताद तो हमारे साथ ये कर रहे हैं, हम उन्हें अल्लाह और रसूल की बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं असी उस्ताद असी अल्लाह रसूल तू वधे होया, तो फिर हम कहते हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, निकल इतों तू तो शाही कोई नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये मुफ्ती मोहम्मद अली मिर्ज़ा या अलामा मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्यों नहीं था? अगर ये मुफ्ती या अलामा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा होता तो अली हमजा यहाँ ना बैठा होता। अच्छा। क्योंकि इस तरह के तो रुल रहे हैं मुफ्ती और अलामे। वैसे डॉक्टर इकबाल ने भी किसी मदरसे से डिग्री नहीं हासिल की थी, लेकिन सारे मौलवी अलामा इकबाल कहते हैं। ऐ फकी दी थी जे मैं इलियास कादरी साहब पे जो हमने चंद एक चीज़ों पे तनकीद की थी, तो देखें उन्होंने रेमेडी कर ली ना, 30-35 साल के बाद ये बात मान ली, आज उन्होंने पगड़ियों का रंग चेंज कर दिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये मुफ्ती मोहम्मद अली मिर्ज़ा या अलामा मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्यों नहीं था? अगर हमने जी मैं रवायती तौर पे यही देखा, हम जिसे दीन सीख रहे हैं या तो वो अलामा है या मुफ्ती है या वो मौलवी है। अगर ये मुफ्ती या अलामा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा होता तो अली हमजा यहाँ ना बैठा होता। अच्छा। क्योंकि इस तरह के तो रुल रहे हैं मुफ्ती और अलामे दुनिया में, शिनाख्त पैदा करनी लाखों के हिसाब से हैं, हमारी बात क्यों सुनी जा रही है? अच्छा, दूसरी बात, मैं अथराइज ही नहीं हूँ कि अलामा मुफ्ती लिखूँ अपने साथ। वैसे डॉक्टर इकबाल ने भी किसी मदरसे से डिग्री नहीं हासिल की थी, लेकिन सारे मौलवी अलामा इकबाल कहते हैं। मैं ऐसे पूछता हूँ उसके पास कौन सी डिग्री है, अलामा कहाँ से हो गया? ऐ फकी दी थी जे मैं डॉक्टर इकबाल को देवबंद और बरेलवियों की कोई डिग्री हासिल थी नहीं, तो अलामा कहाँ से हो गया? वो डॉक्टर इकबाल कहे ना, ये कहते हैं अलामा इकबाल ने फरमाया। अच्छा, अलामा इकबाल फरमान और इंजीनियर साहब बकवास याद करण? मैं तो फिर भी इंजीनियर है ना, वो डॉक्टर थे फलसफे की फील्ड में और मैंने इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैं जब दीन के मैदान में पब्लिकली सामने हूँ, वैसे तो मैंने बचपन से ही दीन का इल्म हासिल किया है, मैं तो इन्हीं मैट्रिक से भी पहले किताबें पढ़ता हूँ और तमाम मकात में फिक्र का मैंने कंपेरेटिव स्टडी करने के बाद 2010 में रिकॉर्डिंग शुरू की है। इसके पीछे मेरी 15-20 साल की मेहनत है और अब ये भी आप अगर ऐड करें तो ऑलमोस्ट 25-30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं हर चीज़ रेफरेंस से बयान कर रहा हूँ, वो रेफरेंस गलत निकले आप मुझे पकड़ें। कोई ख़ास मोमेंट था जिससे आपकी जो ज़िंदगी है उसने इस तरह इस तरफ टर्न लिया? नहीं, मैं कोई उस तरह का है ही नहीं हूँ ना कि जिस तरह जुनेद जमशेद साहब थे, गाना गाते गाते अचानक वो नाते पढ़ना शुरू हो गए। नहीं, मैं तो शुरू से ही इसी फील्ड में हूँ। ये जो पगड़ी आप देख रहे हैं ये मैं मैट्रिक में भी बांधता था। अच्छा। नमाज में उस वक्त भी पढ़ता था, इतकाफ में उस वक्त भी बैठता था, मैं बालिग होने से पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, दाढ़ी मेरी सूची है, मैंने दाढ़ी कभी भी शेव क्या छोटी कुछ भी नहीं किया। तो मैं एक मजहबी प्लेटफॉर्म से था, मैं यानी मैट्रिक लाइफ के अंदर मैं इलियास कादरी साहब की जो पगड़ियों वाली जमात है दावत इस्लामी, इसके साथ अटैच हो गया हुआ था। मेरा पूरा बिल्टअप मजहब के अंदर हुआ है, दीनी तबके के अंदर हुआ है। डॉक्टर सरार साहब के साथ भी वक्त, डॉक्टर सरार साहब से मेरी एक मुलाकात हुई थी 2007-08 के अंदर और बस वो 1-2 घंटे की 2.5 घंटे की मुलाकात है, बाकी तो उनकी वीडियोस से मैंने लर्न किया था, वो वीडियोस देख के मैं उनकी तरफ गया था। उनको अपना उस्ताद जी, मैं हर उस शख्स को अपना उस्ताद मानता हूँ जिससे मैंने कुछ भी इल्म हासिल किया है। डॉक्टर इसरार साहब भी मेरे उस्ताद हैं, मौलाना इसहाक साहब भी मेरे उस्ताद हैं, जावेद अहमद गामदी साहब भी मेरे उस्ताद हैं, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब भी मेरे उस्ताद हैं, गुलाम सूद सईदी साहब भी मेरे उस्ताद हैं, इलियास कादरी साहब भी मेरे उस्ताद हैं। मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है और सबका मेरे ऊपर एहसान है। इवन आपने अपने उस्तादों पे तनकीद शुरू की हुई है? उस्तादों पे तनकीद नहीं की, नाऊज़ बिल्ला, हमने उस्तादों पे क्यों तनकीद करनी है? उस्ताद की वो बात जो नबी इस्लाम और अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ है वो हमने की, क्योंकि उस्ताद को अगर हम उस्ताद मान रहे हैं, एक रिलीजियस बंदे की मैं इज्जत किस बुनियाद पे करता हूं कि ये अल्लाह और उसके रसूल की बात मुझे बता रहा है? अगर वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ बात बताए और मैं उसे हाईलाइट करूं कि तुम ये बात गलत कर रहे हो, कुरान और सुन्नत में ये लिखा हुआ है, तो मैं उस पर नहीं तनकीद कर रहा, बल्कि जिस नाम पर उसने इज्जत अवेल की थी ना उसे उसके बड़ों का हवाला दे रहा हूँ। मसलन अगर आप मुझे आके बताएं कुरान में ये लिखा है हदीस में लिखा है आप ये क्यों कहते हैं, तो मेरे पर कोई तनकीद नहीं, मैं कहूँगा आप ठीक कह रहे हैं मैं गलत हूँ। इलियास कादरी साहब पे जो हमने चंद एक चीज़ों पे तनकीद की थी, तो देखें उन्होंने रेमेडी कर ली ना, यानी मेरा शुरू से इनसे इख्तलाफ था कि आपने पगड़ी का रंग फिक्स क्यों किया है ग्रीन, जबकि ग्रीन पगड़ी
साबित ही नहीं है, अगरचे जायज़ है, क्योंकि नबी इस्लाम ने अबू दाऊद तिर्मिज़ी में आया कि ग्रीन कपड़े भी पहने, बाई चांस मैंने भी लाइट ग्रीन तो आज पहने हुए। तो अपने असल में किसी भी रंग की पगड़ी आप पहन सकते हैं, लेकिन जब आप फिक्स करते हैं वो एक कल्ट और जमात बन जाती है। मैं देखें कभी वाइट पहनता हूँ, कभी ब्लैक पहनता हूँ, क्योंकि सुन्नत से ये दोनों साबित हैं। लेकिन मैंने इस रबीउल अव्वल में कम से कम 4 नशिस्तें 3-3 घंटे की ग्रीन पगड़ी में रिकॉर्ड करवाई हैं इस मिथ को तोड़ने के लिए। तो इलियास कादरी साहब ने अपनी जमात बनाने के आलमोस्ट समझ लें 30-35 साल के बाद ये बात मान ली, आज उन्होंने पगड़ियों का रंग चेंज कर दिया। तो देखें ना, जो इस्लाह के लिए तनकीद की थी उसका फ़ायदा तो हुआ है। तो इसका मतलब है उस वक्त जिन लोगों ने मुझे गलत कहा कि आप ये गलत इनके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, उनको तो मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, आपने ये जो अपने उस्ताज़ा के नाम लिए, आपने इनसे क्या इनकी कोई DVD या इनके बयान से सीखा, या आप बकायदा तौर पे किसी मदारिस या किसी नहीं मदारिस के अंदर तो नहीं, नहीं रहे अल्लाह माफ़ी आपने खुद ही देखें मदारिस की अगर इन आउटपुट ये होती तो मदारिस मिलके कोई एक मदूदी पैदा कर देते, एक कोई अहमद दीदात पैदा कर देते, कोई इंजीनियर अली मिर्ज़ा पैदा कर देते, कोई नुमान अली खान पैदा कर देते, मदारिस नहीं ये काम कर सकते, उस सिस्टम की आउटपुट ये हो नहीं सकती। आपने इटसेल्फ सीखा? जी मैंने इटसेल्फ क्या सीखा मेरे भाई, मैंने इन्हीं से सीखा। मसलन आप अगर मुझे पूछें कि मैंने कुरान किस से सीखा, तो अहमद बरेलवी साहब से। तो आप मुझसे पूछेंगे भाई अहमद बरेलवी साहब तो 1921 में फौत हो गए थे और मैं 1977 में पैदा हुआ, तो मैंने उनसे कहां से सीखा? जी मैंने इसलिए सीखा कि आमद बरेलवी साहब ने मरने से पहले मेरी लैंग्वेज के अंदर कुरान को ट्रांसलेट किया, उनसे ज्यादा अरबी उनके जमाने में भी और आज भी कोई नहीं जानता। कोई बरेलवी मानेगा मुझे उनसे ज्यादा बड़ी अरबी आती है? उनसे ज्यादा उर्दू दान भी कोई नहीं था, वो बरेली के रहने वाले थे। तो उन्होंने अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन की कुरान की अरबी से उर्दू में, अब वो आ गई मेरी लैंग्वेज में, मुझे बस उर्दू आना जरूरी है। तो उर्दू अल्लाह के फजल से मुझे आती है। जिस तरह साहबा इकराम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चूंकि अरबी उनकी जुबान थी, कुरान जब अरबी में उन्हें सुनाया गया उन्हें समझ आ गई। तो अहमद बरेलवी ने कारोबार के लिए तर्जुमा नहीं किया, इसलिए किया था कि मेरे मरने के 50 साल के बाद जब इंजीनियर साहब पैदा होंगे ना तो मुझसे इस्तफादा कर सके। तो मैंने कर लिया। मैं यहाँ पे आपसे सवाल, आपकी बात सही कि जो साहबा इकराम थे अरबी जानते थे, लेकिन वहाँ पे एक उस्ताद भी मौजूद था। आपको लगता है कि अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मैं कोई भी चीज़ सीख सकता हूँ बगैर उस्ताद के, या उस्ताद बहरहाल ज़रूरी? ये मिसाल जो दो मुख्तलिफ आप दे रहे हैं, यहाँ है नबी इस्लाम साहबा इकराम के उस्ताद थे, ठीक है। नबी इस्लाम जब फौत हुए फिर साहबा इकराम का उस्ताद कौन था? उस वक्त उस्ताद की ज़रूरत नहीं थी उनको। मेरा ख्याल है वो जो सीरत नबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, बस इसका मतलब है कि हमारा उस्ताद फौत हो चुका, उसकी कब्र है मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हमारा उस्ताद वो होगा जो हमें ये बताएगा कि अल्लाह ने क्या फरमाया, उसके नबी ने क्या फरमाया। अगर हमारा उस्ताद ये कहता है कि मैं इस्लाम का आलिम हूँ लेकिन बात मैं तुम्हें अपने बाबे की बताऊँगा, तो मैं कहूँगा तुम जाके कोई और मज़हब इख्तियार करो, मुझे वो बात बताओ जो कुरान और सुन्नत में लिखी है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। हज़रत उमर मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि हज़रत हसान इब्ने साबित हज़रत अबू हुरैरा को नातिया अशार मस्जिद में सुना रहे हैं। अच्छा, अब शेर व शायरी की तो इस्लाम में बड़ी मजम्मत है, कुरान में एक सूरत पूरी नाजिल हुई है सवाए अच्छे अशार के, लेकिन ओवरऑल कोई पसंदीदा चीज़ नहीं है। तो हज़रत उमर खलीफा होने के बावजूद इतना रोब था उनका, उसके बावजूद हज़रत हसान को सिर्फ तीखी नज़रों से देखा, उन्हें समझ आ गई कि ये क्यों यूँ देख रहे हैं। उन्होंने कहा इस तरह ना देख मेरी तरफ, तुझसे बेहतर शख्स मस्जिद में होता था, मैं उन्हें भी नातिया अशार सुनाता था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से हज़रत उमर तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि तो सीधा हो गया मेरे नाल। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीन, उन्हें पता था मुझे मेरे बड़े का हवाला दिया गया है जिस बड़े के नाम पर मैं इज्जत अवेल करके खलीफा बनाऊँ। हज़रत उमर तो एक गडरिए थे ना, हज़रत उमर का जो कुछ है रसूलुल्लाह की वजह से है ना, वरना एक गडरिए थे, हज़ारों गडरिए उमर जैसे आए और मर गए, किसी को पता ही नहीं है उमर क्यों उमर हुआ है रसूलुल्लाह के साथ जुड़ के। तो उन्हें पता था जिस नबी के नाम पे मैं ये सब कुछ अवेल कर रहा हूँ ना पोस्ट, उसका उसने रेफरेंस दिया है। और ये वो गैरत है जो आज के मौलवी के अंदर नहीं, आप उसे कुरान हदीस का वाला पेश करें आगे से कुत्ते की तरह पड़ता है। हज़रत उमर ने इस तरह नहीं काम किया, हज़रत उमर ने कहा कि अपना गवाह लाओ। उन्होंने कहा ये अबू हुरैरा बैठे हैं इनसे पूछो, उनका अमीरुल मोमिनीन मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत हसान ना सिर्फ नातिया अशार सुनाते थे बल्कि हुजूर ने दुआ की ऐ अल्लाह रूह कुदस के जरिए हसान की मदद फरमा जिस तरह तूने ईसा ने मरियम की थी, वह अयदना हो बिरूहिल कुदस। तो हज़रत उमर ये जवाब सुन के वहाँ से चले गए, यानी हज़रत उमर को ये पता ही नहीं था कि नातिया अशार मस्जिद में पढ़े जा सकते हैं, इतना बड़ा बंदा उसे बात छुपी हुई थी। नंबर 2, जब उसे नबी का रेफरेंस दिया गया तो उसने अपनी उस्तादी नहीं देखी,
तो हमारे उस्ताद तो हमारे साथ ये कर रहे हैं, हम उन्हें अल्लाह और रसूल की बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं असी उस्ताद असी अल्लाह रसूल तू वधे होए, तो फिर हम कहते हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, निकल इतों तू तो शाही कोई नहीं। अली भाई मुझे बताएं कि अभी इस वक्त आपके यूट्यूब पे कितने, वैसे मैं आपको बताऊँ आज हजरत उमर होना इनको कोड़े लगाए। अच्छा, क्योंकि हजरत उमर तो जाहिर है वो कहेंगे कि तुझे नबी की हदीसें इंजीनियर बयान कर रहा है, तू मामा कितू आया, मनु हदीस सुनाई जदू आसान इब्ने साबित ने, तो मैं आसान दे नाल कोई अगर मुंह मारी नहीं की थी, तुसी इंजीनियर दे क्यों मगर पे हो। आज अगर हजरत उमर बन यकीन करो मेरी मसला आसान हो जाए। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि आज अगर हजरत उमर होते तो शायद आपको कोड़े, नहीं तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया हजरत उमर जो है हदीस सुन के आगे चले जाते थे, ये हदीस सुन के कुत्ते बन जाते हैं।